क्या भारत के लोग भी अब न्यूज चैनल्स पर न्यूज की बजाय नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं? कुछ न्यूज चैनल पत्रकारिता पर कुछ ज्यादा ही विश्लेषण कर रहे हैं। तक के साथ तालमेल कर परमवीर सिंह ने फरेब रचा। आज जब खुद की बारी आई है, सवाल पूछने की घड़ी आई है, तो सन्नाटा छा गया ऊपर से नीचे तक। ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। भारत का मीडिया जब से गोदी मीडिया कहलाने लगा है, तब से न्यूज के साथ मनोरंजन भी मिलने लगा है। पहले लड़ाई फिल्मों में देखने को मिलती थी या फिर रियलिटी टीवी शोज पर, लेकिन अब वह ट्रेंड न्यूज चैनलों तक आ पहुंचा है। हम डिबेट्स में क्या क्या नहीं देख चुके, गेस्ट के बीच गाली गलौज या फाइट, पर अब एंकर ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाना या तंज कसते दिखाई देते हैं। आज हम मीडिया की बात कर रहे हैं, ना कि अकेले गोदी मीडिया की। पिछले कुछ समय से न्यूज एंकर के बीच तनातनी साफ देखने को मिल रही है। आज न्यूज एंकर या चैनल के बीच इसी तनातनी पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी ने सुशांत केस में मीडिया पर सवाल खड़े होने की बात अपने डीएनए के जरिए बिना नाम लिए रिपब्लिक चैनल पर तंज कसा। 1970 के दशक में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर, और इस फिल्म में एक गाना था जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आज मीडिया का बिल्कुल यही हाल है, और इसलिए आज हम ये सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि क्या भारत के लोग भी फरमाइशी खबरों का चित्रहार अब न्यूज चैनल्स पर देखना चाहते हैं? क्या भारत के लोग भी अब न्यूज चैनल्स पर न्यूज की बजाय नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं? यानी क्या खबरों और मनोरंजन का मिश्रण अब न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है? इसका जवाब तो आना ही था, तो रिपब्लिक टीवी के एंकर ने इसका जवाब दिया अपने शो के जरिए सुधीर चौधरी पर तंज कसकर। मैं आजकल देख रहा हूँ कुछ न्यूज चैनल पत्रकारिता पर कुछ ज्यादा ही विश्लेषण कर रहे हैं। सूट बूट टाई पहनकर क्या कह रहे हैं? आज हम मीडिया के गिरते स्तर पर बात करेंगे, हम सच को सामने लाएंगे। बहुत लोगों को शायद अच्छा ना लगे, और ये गाना भी सुनवाते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अरे पत्रकार वो होता है जो रात के अंधेरे में उम्मीद की किरण खोज निकालता है। और चले पत्रकारिता का विश्लेषण करने। अब बात करते हैं अर्नब की, जो अक्सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। बात शुरू करते हैं टीआरपी फ्रॉड से। हाल ही में मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी फ्रॉड का खुलासा किया था, जिसमें एक नाम रिपब्लिक टीवी का था। इसके बाद अर्नब ने इंडिया टुडे पर सवाल खड़े कर दिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आज तक के कहे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे, आज तक के छोटे से एक अंग्रेजी सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को बचाया और हम पर झूठा आरोप लगाया। तक के साथ तालमेल कर परमवीर सिंह ने फरेब रचा, क्योंकि खबर का व्यापार और टीआरपी का टिक्रम आज तक का चैनल इंडिया टुडे ने किया। एफआईआर में नाम किसका है? आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे का है। एक बार नहीं है ये आज तक वाले चैनल का नाम, एक बार नहीं है दोस्तों, छह बार है। मुख्य गवाह ने आरोप इंडिया टुडे पर लगाया, लेकिन परमवीर सिंह ने नाम किसका लिया? आपके चैनल रिपब्लिक का। रिपब्लिक का नाम सामने आते ही इंडिया टुडे और आज तक को रिपब्लिक पर तंज कसने का मौका मिल गया, और आज तक पर इस मुद्दे पर डिबेट भी हुआ। पहले अर्नब ने इल्जाम लगाया और आज तक ने उसका जवाब दिया कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, ये आरोप है। ललकारना तो आज इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को चाहिए कि आइए बाहर जवाब दीजिए, क्या घरों में जहां पे टीआरपी मीटर्स लगे हुए थे वहां पर पैसे दिए जा रहे थे? क्या पैसे के लेन देन के जरिए रेटिंग खरीदी जा रही थी? क्या लोगों के विश्वास के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे? आज जवाब देना चाहिए बाहर आकर। आज जब खुद की बारी आई है, सवाल पूछने की घड़ी आई है, तो सन्नाटा छा गया ऊपर से नीचे तक। ऐसा पहली बार नहीं कि अर्नब ने तक का मजाक उड़ाया हो। इससे पहले भी आज तक पर रिया का इंटरव्यू हुआ, तब अर्नब ने अपने शो में तक का नाम लेकर काफी कुछ बोला था।
रिया की कॉफी विथ तक। दोहराऊंगा दोस्तों, कॉफी विथ तक वाली साजिश जिसके बारे में मैं कई महीनों से कह रहा हूं, मगर पूरा देश अब कल के बाद समझ गया। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है, वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे, आपने 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 सुशांत को ड्रगी कैसे बोला? एक मिनट तकवालो मेरी बात सुनो। आपने रिया आपने सुशांत को ड्रगी कैसे कहा? प्रदीप भंडारी आपने इंटरव्यू के जो क्लिप देखे, ये क्या इंटरव्यू है? ये कोई सवाल ही नहीं है। आप ठीक है? आपने कुछ गलत तो नहीं किया? आपके खिलाफ ऐसे गंदे आरोप लोग लगा रहे हैं जी, तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मासूम हूँ, सब आरोप गलत है। ये इंटरव्यू है? ये अपमान है प्रदीप भंडारी, ये मजाक है। इसके बाद जब एम्स की रिपोर्ट आई थी सुशांत का मर्डर नहीं सुसाइड है, तब राजदीप सरदेसाई ने अर्नब का नाम लेकर अपनी डिबेट में उन पर तंज कसे थे, क्योंकि रिया का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई ने ही लिया था और उनको तब काफी ट्रोल भी किया गया था। Has targeted me during my Riya Chakrabarti interview and more. But today I am going to say it. Arnab Goswami, you run a banana republic channel. You run a channel that has deliberately created a media trial for whatever your ends are. But do not bring journalism down to the level that you have. This is the only advice I will give you. This is not what journalism is about. You want me to name and shame? I will name and shame today. Because I have kept quiet for 2.5 months and listened to the crap that you have put out on air with only one purpose that you had, to try and get rating points. There's something more important than TRPs, my friend. It's called television respect point. पहले के दिन कुछ और ही थे जब अर्नब और राजदीप सरदेसाई मिलकर न्यूज पेश किया करते थे। ना कोई शोर, ना ऊंची आवाज, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सटीक खबर जनता को बताते थे। आप ये पुराना वीडियो भी देख लीजिए, शायद ही ऐसी पत्रकारिता आप कभी वापस देखने को मिले। टीम ऑफ पीपल हु फॉलोड एवरी रीजन एवरी स्टेट एंड इन वेलकम बैक। टू डेज एंड टू मेजर कंट्रोवर्सीज। फर्स्ट ही टुक ऑन द प्राइम मिनिस्टर, टुडे द प्रेसिडेंट कन्फ्रंटेड द जुडिशियरी विद सम प्लेन टॉकिंग। के आर नारायणन टोल्ड सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट जस्टिस इज टेकिंग फार टू लॉन्ग इन इंडिया एंड दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। And responding to yesterday's sharp message by the president where he seemed to tell the government not to review the constitution, Mr. Jethmalani, the law minister today, said that the government will set up a committee to do so soon. But he added that the president is not really against constitutional changes, but that in fact he was misunderstood. Right. Perhaps important since being attached to it, because it comes just a day after he was seen to differ with the prime minister on the same podium. You saw that as an exception to the rule. इसके अलावा अर्नब की ही बात करें तो वे तक के अलावा एनडीटीवी का भी मजाक बना चुके हैं। अपनी ही एक डिबेट में एक गेस्ट के द्वारा एनडीटीवी के नाम लिए जाने के बाद वे उस पर हंसने लगे। Before that, while I'm debating this, and NDTV has NDTV, what did you say? NDTV. Yes, NDTV has given a report of 40,000 Rohingyas living in India. You know, now yeah. He said right. He don't said, laugh like a fool. He said NDTV. Okay. इसका जवाब रवीश कई बार अर्नब को दे चुके हैं। जब भी उनसे गोदी मीडिया पर सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर अर्नब का जिक्र होता ही है। अब खुद ही सुनिए उनके जवाब। तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियां नजर आती है या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नविटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कॉम्पिटिशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊंगा, ठीक है, ये इसको रहने दीजिए। उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आप। कुछ दिनों के लिए बाहर था कि एक एंकर अपर्णा सिन्हा, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए। तो अपर्णा सिंह का कुछ वीडियो चल रहा है और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं उसको करके, और वो धमकी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ मैंने एक से एक बाहुबली देखे, वो कभी बंदूक चलाते थे, कभी कुछ चलाते थे, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं देखी। इसके अलावा हमने अर्नब को मंत्रियों को धमकाते भी देखा है। कुछ दिन पहले वे अपनी मुहिम के तहत अर्नब शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और संजय रावत को धमकी भरे लहजे में इंटरव्यू के लिए कहते दिखे। दोस्तों, कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं, 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका।
संजय राउत जी हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत, है हिम्मत। इसको करारा जवाब न्यूज 24 के एंकर संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट के जरिए दिया और मीडिया ट्रायल की काफी आलोचना भी की। मीडिया भी इस पूरी कहानी में कूद पड़ा है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके आपने देखा होगा ताल ठोकी जा रही है, ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे, ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा हाउ डेमोक्रेसी इज डाई। यही कारण है कि रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स का भी काफी मजाक बन जाता है और कुछ दिन पहले ही रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर की एक दूसरे रिपोर्टर के साथ झड़प भी हुई थी जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था, आप खुद ही देख लीजिए। पहले देश की जनता मीडिया को ट्रोल करती थी लेकिन अब पत्रकार ही एक दूसरे को ट्रोल करते देख रहे हैं। खैर जो भी हो, जनता न्यूज चैनल से सही और सच्ची खबरें देखना चाहती है, वो तो उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन खैर उन्हें मनोरंजन का साधन तो मिल ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।